वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पुणे से हमारी एक दर्शक हैं शेफाली, इन्होंने मेल किया है। इनका कहना है कि इनके चेहरे पे काफी कील मुहासे हैं, इसके अलावा इनके गाल के साइड में ब्लैक पैच आ गया है, जिसके कारण ये बड़ी हीन भावना का शिकार है और ये चाहती है कि किसी तरह से ये कील मुहासों से भी मुक्ति मिले और इस ब्लैक पैच से भी मुक्ति मिले। तो क्या कोई घरेलू उपाय है आपके पास? जी हाँ शेफाली जी, बिल्कुल है उपाय। हर चीज का उपाय होता है आयुर्वेद में। आयुर्वेद बहुत वास्ट रेंज में जाता है, तो ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बड़ा आसान सा उपाय बताऊंगा मैं आपका। लेकिन शेफाली जी, उपाय के पहले थोड़ा सा आपको अपने खान पान पे ध्यान देना होगा। आप ये देखिए कि आपका वाटर इनटेक कितना है। कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी आपको पीना बहुत जरूरी है। ये जो ब्लैक पैच आया है, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपका जो वाटर इनटेक है वो थोड़ा कम है और शरीर में अशुद्धियाँ जो है वो बढ़ चुकी हैं, जिसके कारण आपके कील मुहासे आ रहे हैं या एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो आ रहा है। तो मुझे जो लगता है कि आपका वाटर इनटेक काफ़ी कम है, तो कम से कम 3 से 3.5 लीटर आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो कील मुहासे हो रहे हैं या ये जो ब्लैक पैच आ गया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके रक्त में विकार है, यानी कि खून में अशुद्धि है। खून को कैसे प्यूरीफाई, ब्लड प्यूरीफाई कैसे किया जाए आपका, उसके लिए आपको क्या करना है? बड़ा सिंपल सा तरीका है। नीम का पेड़ हर जगह लगा रहता है, तो उसकी कोपल होती है, छोटी छोटी सी पत्ती होती है जो ताजी नई निकलती है, गुलाबी रंग की होती है। ऐसी 7 पत्तियां 7 कोपल लेनी है नीम की, और वो सुबह आपको खाली पेट चबाना है और ऊपर से 1 गिलास पानी पी लेना है। ये क्या करेगा, ये आपके ब्लड को प्यूरीफाई कर देगा, और ब्लड एक बार प्यूरीफाई हो गया तो जो कील मुहासे या पैच जो आ रहे हैं आपको, ये आगे बंद हो जाएंगे। अब आपने बताया कि आपको ऑलरेडी कील मुहासे और पैच आ चुके हैं, तो इसके लिए क्या करना है? बहुत आसान सा तरीका है, नटमेग होता है, जायफल जिसको कहते हैं, नटमेग वो ले लें आप, और थोड़ा सा 2 चम्मच गाय का दूध ले लें। गाय के दूध में नटमेग को आपको अच्छी तरह से घिस के पेस्ट जैसा बना लेना है, और ये पेस्ट आपको पूरा आपके जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है हर जगह लगा के उसको रात में लगा के छोड़ दें आप, और सुबह नॉर्मल पानी से आप मुंह धो लें। ये प्रयोग आपको करना है 15 दिन। 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि आपके कील मुहासे, जो ब्लैक पैच है, वो सारा कुछ गायब हो जाएगा और आपका चेहरा एकदम खिल उठेगा। आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपका चेहरा इतना सुंदर हो गया है। तो बहुत ही आसान आसान से उपाय है आयुर्वेद में, तो बहुत ही, और ये तो घरेलू चिकित्सा है, इसमें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अगर आपकी स्किन में जरा भी प्रॉब्लम है तो आप ये नॉर्मल आम इंसान भी इसका प्रयोग कर सकता है। हफ्ते में एक बार थोड़ा सा गाय का दूध दें और पत्थर जो होता है, एक पत्थर पे उसको लेके नटमेग, उसमें जायफल अच्छी तरह से घिस के और वो पेस्ट लेके लगा लें, 20 मिनट रहने दें और मुंह धो लें। ये एक आम इंसान के लिए भी, उसकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, इससे चेहरा तेजमय हो जाएगा, चेहरा चमकने लगेगा एकदम। तो ये प्रयोग करें। अगर आपको पत्थर वगैरह नहीं मिल रहा है तो उसको जायफल को ग्रेट करके थोड़े से दूध में घोल के और पेस्ट बना लें और वो पेस्ट भी लगा लें। बस आप ये प्रयोग करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर आपकी जितनी प्रॉब्लम थी स्किन रिलेटेड, चेहरे के तेज की जो कमी हो गई है, जो चेहरा मुरझाया हुआ लगता है, ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। कील मुहासे दूर हो जाएंगे, आपके पैचेस जो हैं वो सारे दूर हो जाएंगे और आपका चेहरा खुल उठा और आपका चेहरा खिल उठेगा। तो बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मिलते रहें। थैंक यू।